हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए तीन नए बैचेस करियर लैब पे स्टार्ट हो रहे हैं। एक बैच है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, एक बैच है आईटीआई फिटर ट्रेड का और एक बैच है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का। ये तीनों बैचेज हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। मैं एक एक करके उन बैचेज के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहला जो बैच है वो है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन में जो सीबीटी 2 का हिस्सा होता है, अगर आप उसके ट्रेड की तैयारी करते हो या तैयारी करना चाह रहे हो तो आप इस बैच की को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो मेट्रो का एग्जाम हो, चाहे बीएमआरसी मेंटेनर का एग्जाम हो या और किसी मेट्रो का एग्जाम हो, यूपीपीसीएल का एग्जाम हो, यूपीपीसीएल टीजी 2 का हो, यूपीआरवीएनएल का हो या और अलग अलग राज्यों में, कभी बिहार में, कभी हरियाणा में लाइनमैन वगैरह की वैकेंसी आती है या टेक्नीशियन वगैरह की वैकेंसी आती है या पीएसयू वगैरह में जो वैकेंसी वगैरह आपकी आती है, एनटीपीसी वगैरह में, बीएचईएल वगैरह में या कई बार डीआरडीओ इसरो बार्क वगैरह में वैकेंसी आती है, तो उन सारी वैकेंसीज के लिए अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अपनी तैयारी को करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ट्रेड का पूरा हिस्सा शानदार तरीके से कवर कराया जाएगा। बाकी फीस आपकी जो डिस्काउंटेड फीस है लिमिटेड टाइम के लिए वह 1199। वैलिडिटी आपको 15 महीने मिलेगी। लगभग 70-80% क्लासेज इसमें रिकॉर्डेड होंगी और 20% के आसपास क्लासेज आपकी लाइव चलेंगी। टीचर्स के नाम की बात की जाए तो इसमें ज्यादातर हिस्सा राजकुमार सर यानी मैं कवर कराऊंगा और कुछ हिस्सा विनाश सर कवर कराए हुए हैं इस बैच में, ठीक है। उसके अलावा जो अगला बैच है आपका वो है फिटर ट्रेड का। इसमें फिटर ट्रेड की सारी चीजें कवर कराई जाएंगी, ट्रेड का हिस्सा इसमें कवर कराया जाएगा। तो अगर आप रेलवे लोको पायलट में जो सीबीटी 2 का ट्रेड का हिस्सा होता है उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर और अलग अलग राज्यों में पीएसयूज में डीआरडीओ इसरो बार्क वगैरह में जो वैकेंसी आती है, उन सारी वैकेंसीज के लिए फिटर ट्रेड से आप तैयारी अगर करना चाह रहे हो तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें फिटर ट्रेड का सारा हिस्सा बहुत शानदार तरीके से कवर कराया जाएगा। उसके अलावा इस बैच के फीस की बात करें तो 1099, वैलिडिटी 15 महीने और 80% क्लासेज आपकी रिकॉर्डेड होंगी, 20% क्लासेज आपकी लाइव होंगी। टीचर्स नेम की बात की जाए तो इसमें अंकित सर क्लासेज लेंगे और एएन सर लेंगे और कुछ हिस्सा मैंने पढ़ाया है जैसे सेफ्टी एंड हेल्थ का और मेटल एंड नॉन मेटल का। मेजॉरिटी का हिस्सा अंकित सर ने कराया है और ए एन सर ने कराया है। ये फिटर ट्रेड की कहानी है। आप इस बैच को जब से ज्वाइन करोगे आपको वैलिडिटी लगभग तब से मिल जाएगी, मगर एडमिशन बैच स्टार्ट होने के कुछ दिन तक ही ओपन रहता है। तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए और आप इस बैच से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप आईटीआई के किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेड में कोई भी टॉपिक आपको छूटेगा नहीं है, बाकी नहीं रहेगा। उसके अलावा अगर आप आईटीआई में वेल्डर या आरएसी ट्रेड के बैच को ढूंढ रहे हैं या आप आईटीआई डीजल मैकेनिक या मैकेनिक मोटर व्हीकल या हीट इंजन के बैच को ढूंढ रहे हैं तो उसका बैच भी करियर लैब पे चल रहा है। वो बैच आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, आप सबसे पहले अपने फोन में करियर लैब डाउनलोड करना। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप ऐप जब खोलोगे तो ऐप के नीचे सबसे एक लाइव क्लास का ऑप्शन आएगा। ऐप खोलने के बाद सबसे नीचे बीच में एक लाइव क्लास का ऑप्शन आता है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ऊपर अलग अलग एग्जाम का सेक्शन बना होगा, एसएससी, बैंक, टीचिंग। थोड़ा और राइट साइड में आप जाओगे तो एक टैब बना होगा सेक्शन जेईई एंड आईटीआई एग्जाम का, उस पर क्लिक करोगे आप तो जितने बैचेज में एडमिशन ओपन है वो बैचेज आपको दिख जाएंगे। तो आईटीआई डीजल मैकेनिक का, मैकेनिक मोटर व्हीकल का या वेल्डर आरएसी का बैच आपको दिखेगा। आप बैच पे जाकर के इंट्रो वीडियो देखना, इंट्रोडक्शन वीडियोस में बैच की सारी जानकारी है, वहीं से आप बैच को ज्वाइन भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप जेईई के बैचेज की तलाश में हो तो जेईई का इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये चारों बैचेज भी करियर लैब पे चल रहे हैं, आप इन बैचेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। वही तरीका, लाइव क्लास पे क्लिक करो और उसके बाद ऊपर जेईई एंड आईटी एग्जाम के सेक्शन पे जाओ। ये सारे बैचेज आपको करियर विल ऐप पे मिलेंगे। कहां मिलेंगे? करियर विल ऐप। तो अगर आपके फोन में ऐप नहीं है तो आप इसको डाउनलोड करेंगे। उसके अलावा और जो बैचेज चल रहे हैं उसमें एक बैच है एएलपी का सीबीटी 1+2 का कंप्लीट बैच इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का और एक बैच है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए सीबीटी 1+2 का फिटर ट्रेड का बैच। यार इलेक्ट्रीशियन का कंप्लीट बैच सीबीटी 1+2 का और फिटर का कंप्लीट बैच सीबीटी 1+2 का, वो बैच भी करियर विल ऐप पे चल रहा है। एडमिशन अभी ओपन है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसमें क्या रहेगा, आपको ट्रेड भी मिलेगी, मैथ्स रीजनिंग भी मिलेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी मिलेगी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्रॉइंग भी मिलेगी, यानी सब कुछ आपको मिलेगा जो एएलपी के एग्जाम में आता है सीबीटी 1+2 मिला करके। तो वो इलेक्ट्रीशियन और फिटर दो ट्रेड के लिए बैच स्टार्ट हुआ है 1-2 महीने पहले, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो करियर लैब पे।
चलिए अभी फिलहाल हम जिस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं उसकी बात करें तो एक तो फिटर ट्रेड का बैच है, एक इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का बैच है, और तीसरा जो बैच है वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ये बैच सर किस एग्जाम के लिए है? ये बैच है आपका रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के लिए स्पेसिफिक बैच है। अगर आप रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप जब सीबीटी 2 का एग्जाम दोगे ना तो वहां पे 40 नंबर का सवाल आता है इस टॉपिक से। रेलवे ने मेंशन कर रखा है 40 नंबर का सवाल इस टॉपिक से आएगा, जिसको उन्होंने नाम दिया है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग या बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्रॉइंग। इस टॉपिक में टोटल 12 चीजें मेंशन है, उस 12 से सवाल आएंगे, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग भी और भी कुछ टॉपिक्स हैं वो सिलेबस में भी डिस्कस करूंगा। तो ये बैच वही बच्चे ज्वाइन करेंगे जो रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम को देना चाह रहे हैं, ठीक है। ये फिजिक्स से रिलेटेड है लेकिन पूरा फिजिक्स से जैसा ही नहीं है, थोड़ा सा अलग है, कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा भी है, तो फिजिक्स से रिलेटेड मान सकते हो। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग है, नॉर्मली उसको आप फिजिक्स में तो नहीं पढ़ते हो मगर इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आएगी। सेफ्टी एंड हेल्थ है, जिसको इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप नहीं पढ़ते वो भी इसमें आएगा। आईटी लिटरेसी आएगी, कंप्यूटर एजुकेशन आएगी, वो सारी चीजें हैं इसमें। इसकी फीस है 399, वैलिडिटी है 10 महीने, 80% क्लासेज रिकॉर्डेड और 20% लाइव है। आपको ये नहीं सोचना है कि सर क्या बहुत पुराने रिकॉर्डेड क्लासेज है, नहीं, सब पुरानी 5-6 महीने की पुरानी क्लासेज है, रिकॉर्डेड है, आपको बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट ही मिलेगा। टीचर्स की बात करें तो आप देख सकते हो राजकुमार सर, एएन सर और अंकित सर इसमें टीचर्स रहेंगे। तो तीन बैचेज स्टार्ट हुए हैं, तीनों बैचेज अलग अलग हैं, तो आपकी जैसी जरूरत आप वैसा बैच ले सकते हो। आप अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हो तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बैच ले सकते हो, उससे ट्रेड का एक हर हिस्सा हर एग्जाम के लिए कवर हो जाएगा। आपके मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए सर ये वैकेंसी आई है क्या इसके लिए बैच सफिशियंट रहेगा, ट्रेड का हिस्सा आपका किसी भी एग्जाम के लिए इस बैच से कवर हो जाएगा। तो आप फिटर ट्रेड के हो तो फिटर का लोगे, इलेक्ट्रीशियन के हो तो इलेक्ट्रीशियन का लोगे। आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का बैच अलग से चल रहा है, 1.5 महीने पहले स्टार्ट हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का अगर कोई बच्चा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का बैच लेगा, वो बैच भी करियर विलैप पे चल रहा है, 1.5 महीने पहले स्टार्ट हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ऐप पे जाओगे, सबसे नीचे लाइव क्लास पे क्लिक करना, आप ऊपर फिर अलग अलग एग्जाम का जहां सेक्शन है वहां JEE & NIT एग्जाम पे क्लिक करोगे आप तो आपको बैच दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का या बाकी ट्रेड का, तो एक बार जाके आप चेक करना। अब जरा मैं थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेता हूं, आप कई बार सिलेबस को लेकर परेशान होते हो, तो आईटीआई फिटर ट्रेड का जो सिलेबस है उसमें ये सारी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी। कहने का मतलब एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो ये फिटर का सिलेबस आप देख पा रहे हो, ये सारी चीजें फिटर के सिलेबस में होंगी और काफी शानदार तरीके से कवर कराएगी पूरे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करूं तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सिलेबस आप देख सकते हो, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल से लेकर के ट्रांसफार्मर मोटर सारी चीजें एक एक करके बहुत सलीके से कवर कराएगी। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सेल एंड बैटरी, अर्थिंग एंड वायरिंग, ये सारी चीजें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सिलेबस में होंगी। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल टूल, UPS, CRO, मेटल एंड एलॉय, थायरिस्टर, ये सारी चीजें होंगी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सिलेबस में। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है इसमें 12 टॉपिक मेंशन कर रखा है रेलवे ने। पहला टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जिसके अंदर प्रोजेक्शन व्यू, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर, सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन, ये है पहला टॉपिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के बैच में होगा। और दूसरा टॉपिक है यूनिट्स, फिर मेजरमेंट, फिर मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लेवर्स एंड सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंटल एजुकेशन और आईटी लिटरेसी, ये 12 चीजें, ये 12 टॉपिक इसमें मेंशन है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और ये 12 टॉपिक आपके इस बैच में कवर कराए जाएंगे। तो अगर आप इन 12 टॉपिक्स को पढ़ करके यहां से 40 नंबर स्कोर करना चाहते हो अपने सीबीटी 2 में, जो कि मेरिट में काउंट होंगे, मेरिट में काउंट होंगे आपके 40 नंबर, तो आप उस 40 नंबर के लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के इस बैच को, ठीक है, जिसकी फीस 399 है। तो ये जो बैचेज आपके स्टार्ट किए गए हैं, बैचेज बाइलिंगुअल आपके होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसमें पढ़ाया गया है। बाकी आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा और ढेर सारे सवाल भी आपको करवाए गए हैं इस बैच में, या ढेर सारे सवाल करवाए जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर के आपके एएलपी वगैरह के सवाल हैं वो सवाल करवाए जाएंगे, कुछ नए सवाल करवाए जाएंगे, जिस वैरायटी के सवाल आ सकते हैं वो सारी चीजें आपको कवर कराई गई हैं और बहुत डिटेल में कवर कराई गई हैं। जो बेसिक साइंस है वो 40 नंबर का सवाल आएगा, तो अगर आप बेसिक साइंस वाला बैच लेते हो तो आपका 40 नंबर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बैचेज किस एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे? आप आरबी एलपी या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो या और भी जितने एग्जाम हैं आप उनकी तैयारी अगर कर रहे हो तो बैचेज यूजफुल होंगे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाला बैच, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उसके लिए परफेक्ट है।
फिटर ट्रेड वाला बैच फिटर ट्रेड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उसके लिए परफेक्ट है। याद रखना इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ट्रेड का हिस्सा होगा, उसमें मैथ रीजनिंग नहीं होगी, ट्रेड होगा। फिटर ट्रेड में ट्रेड होगा फिटर का, उसमें मैथ रीजनिंग नहीं होगी। अगर मैथ रीजनिंग इलेक्ट्रीशियन सब कुछ पढ़ना है तो उसके लिए कंप्लीट बैच सीबीटी 1+2 का चल रहा है, जो डेढ़ महीने पहले स्टार्ट हुआ उसको ज्वाइन करो, वहां पे एडमिशन ओपन है करियर विल ऐप पे। और जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच है उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के 12 टॉपिक होंगे जो मेंशन किया गया है, ठीक है। ये मत सोचना सर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के बैच में भी ट्रेड होगी क्या, नहीं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में ट्रेड नहीं, उसमें 12 टॉपिक होंगे जो आपके लिए मेंशन है, ठीक है। तो 3 बैचेज है, आपकी जैसी जो रिक्वायरमेंट है आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। फुल बैच अगर ज्वाइन करना है तो 1.5 महीना 2 महीना पहले स्टार्ट हुआ है करियर लैब पे, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। फीस क्या है, इलेक्ट्रिकल की फीस है 1199, फिटर की फीस है 1099 और बेसिक साइंस की फीस है 399। ये डिस्काउंटेड फीस है लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक है। और अगर कोई ऐसी क्वेरी है जो मैंने डिस्कस नहीं किया, आप जानना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, 7266056451, ठीक है। आप फोन नहीं करेंगे, बेहतर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और 1-2 दिन 3 दिन आप वेट करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। ऐसी कोई चीज जो JEE NITI एग्जाम के बैच से रिलेटेड हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी आपके पास करियर लैब का हेल्पलाइन नंबर होगा, अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस नंबर पर फोन करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी। तो अभी वैकेंसी कब आएगी सर, ALP और टेक्नीशियन की अभी तो आई नहीं सर। देखो डिपार्टमेंटल वैकेंसी आ चुकी है कि जो बच्चे रेलवे में नौकरी कर रहे हैं वो अगर JEE का एग्जाम देना चाहें या ALP का एग्जाम देना चाहें तो उनके लिए वैकेंसी आई हुई है। तो ALP का जो एग्जाम होगा उसकी भी वैकेंसी कुछ दिनों बाद आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि रेलवे ने जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकाली है उसमें कुछ हिस्सा आपका टोटल सीट का कुछ हिस्सा वो डिपार्टमेंटल भरेगा, जो लोग रेलवे में कार्यरत हैं उन्हीं के लिए, उन्हीं के द्वारा कुछ सीटें भरी जाएंगी और बाकी की जो सीटें हैं और जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनसे भरी जाएंगी। तो फ्रेश बच्चों के लिए जो वैकेंसीज अभी आने वाली हैं अगले 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। ऐसा देखो होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कि वैकेंसी ही ना आए, वैकेंसी आएगी बस अब 1 महीने बाद आएगी या 2.5 महीने बाद आएगी, यही थोड़ा सा संशय आपके दिमाग में हो सकता है। तो आपको अपनी तैयारी को जल्दी स्टार्ट करना है क्योंकि आपको CBT 1 की भी तैयारी करनी है, CBT 2 की भी तैयारी करनी है। CBT 2 में आपको ट्रेड भी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ना पड़ेगा और मैथ्स रीजनिंग और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो सिलेबस लंबा है, तैयारी आपको जल्दी स्टार्ट कर देनी है ताकि एक एक चीज को अच्छे से पढ़ पाओ आप। और अगर इस बार आप मौका चूके तो पता है आप मोदी जी वैकेंसी चुनाव दर चुनाव ही निकालते हैं, तो 2024 का चुनाव है तो वैकेंसी ALPO टेक्नीशियन की आने वाली है। तो आप अभी से इस मौके को चूकेंगे नहीं, अपनी भरपूर कोशिश करेंगे और अगर आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आपको सफलता हाथ लगेगी। तो 3 बैचेस थे जिसको मैंने डिस्कस किया, इलेक्ट्रीशियन का 1, फिटर का 2 और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का 3। इन 3 बैचेज को आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा और जो बैचेज हैं करियर लैब पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं JEE NITI एग्जाम के सेक्शन पे। ऐप खोलिए, सबसे नीचे लाइव क्लास पे क्लिक करिए, सबसे पहले कहां लाइव क्लास पे, वरना एक भी वीडियो नहीं दिखेगी। लाइव क्लास पे क्लिक करना, फिर ऊपर JEE NITI एग्जाम का सेक्शन 1 होगा, अलग अलग कैटेगरी बनी है, डिफेंस, टीचिंग, बैंकिंग, SSC, ऐसे। और राइट साइड आप जाओगे तो JEE NITI एग्जाम का सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे आप तो आपको JEE के बैचेज भी दिखेंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के। वहाँ पे आपको ALPO टेक्नीशियन का CBT 1+2 का फुल बैच भी दिखेगा, वहाँ पे आपको और वेल्डर, RAC, डीजल मैकेनिक के बैचेज भी दिखेंगे, आप उन बैचेज को वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। या और कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये थी जानकारी इस बैच की। आप अगर डेमो देखना चाहते हो, कई बार चिंटू को लगता है कि सर टीचर पढ़ाता कैसा है डेमो, उसके लिए आप ऐप पे जाइए, ऐप पे डेमो वीडियोस अपलोड की जाएंगी। तो ऐप पे जब आप जाएंगे तो ऐप से ही जाके आप इंट्रो वीडियो देख सकते हैं, ऐप पे जाकर के आप डेमो वीडियो देख सकते हैं। आपको 1-2 डेमो क्लासेज वहां पे अवेलेबल होंगी, पर जितने भी टीचर हैं सारे अच्छे हैं और ऐप पे जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। तो 3 बैचेज स्टार्ट हुए हैं, आप देख पा रहे हो, ठीक है। 3 अक्टूबर से एडमिशन इसमें स्टार्ट होगा शाम 7 बजे से। कब से? 3 अक्टूबर शाम 7 बजे से। बाकी जो क्लासेस हैं वो आपकी 9 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी और 9 अक्टूबर तक ही आपकी VOD सारी अपलोड कर दी जाएंगी। जो VOD यानी रिकॉर्डेड क्लासेज अपलोड की जानी है वो 9 अक्टूबर तक अपलोड कर दी जाएंगी। और
आपकी जो लाइव क्लासेज है वो भी 9 अक्टूबर से लगभग स्टार्ट हो जाएंगी। 70-80% हिस्सा इसमें आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, 20-30% के आसपास क्लासेज लाइव होंगी। जो क्लासेज लाइव होंगी वो आप अगर लाइव क्लास चल रही तब भी देख सकते हो, और अगर लाइव क्लास मिस हो गई तो बाद में वो रिकॉर्डेड रहेगी। चिंटू कई बार इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहता है कि सर जो लाइव क्लासेज हैं क्या वो लाइव अगर छूट गई तो बाद में नहीं देख पाएंगे क्या? जो लाइव क्लासेज होती हैं अगर उस वक्त छूट गई आपके किसी कारण से आप नहीं देख पाए हो तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड तब तक देख सकते हो जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। लाइव का मतलब क्लासेज अभी हुई नहीं, आपको पढ़ाई जाएंगी और बाद में रिकॉर्डेड भी रहेंगी, और जो रिकॉर्डेड क्लासेज हैं वो दोबारा लाइव नहीं होंगी। इस बात का ध्यान रखना कि जैसे कोई टॉपिक रिकॉर्डेड अपलोड करवाया गया तो रिकॉर्डेड ही आपको पढ़ना रहेगा, उसकी लाइव क्लासेज नहीं होने वाली है। तो लगभग 70-80% क्लासेज रिकॉर्डेड है और 20-30% की क्लासेज आपकी लाइव होंगी जो कि रिकॉर्डेड बाद में रहेंगी वैलिडिटी तक। ठीक है, तो ये थी इस बैच की इन्फॉर्मेशन, बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।